एक आखिरी मुलाकात अनुराग के दिल में प्यार जगाने के लिए काफी ज्यादा होती है। जब जाने की शादी से पहले वो जाते हैं मिलने के लिए, तो आरजे को लगता है कि आप जाने को कहीं ना कहीं कुछ अजीब चीजें हो रही है अनुराग को लेकर के, तो ये चाहती है इस चीज को रोकना। और सच में प्लॉट तो इसके साथ मजेदार होती जा रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटन चाहता है कि अनुराग अपने दिल की बात जनक से बोले, और इसके लिए जो प्लान बनाता है ना सबसे मजेदार होती भी है। ये तो मॉर्निंग प्लॉट है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग, एपिसोड की स्टार्टिंग घर से होती है। अब यहाँ पे हॉल में जब सभी लोग होते हैं, यहाँ पे जनक भी होते हैं, जो आशीर्वाद सेरेमनी यहाँ पे होने होता है, तो सबको एक एक करके करते हैं। यहाँ पे छोटन भी करता है, लेकिन जब फिर से बोला जाता है अब अविनाश को आने के लिए, तो वो जाता है तो उसका पैर वो नहीं छूती है। लेकिन जस्ट इसके बाद ही छोटन फोर्स करता है अनुरुद्ध को जाने के लिए, तो अनुरुद्ध जाता है। अब जैसे ये रस्में करता है तो बोलता है कि तुम खुश तो होगी ना शादी के बाद में। बस ये बातें सुनने के बाद में तो वो रोने लगती है पैर पे पड़ पड़ के। अब ये कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। घर वालों को तो लगता है कि ये ड्रामा कर रही है, क्योंकि ये तो ड्रामा क्वीन है, हर बात में इसके नखरे हैं, हर बात में ये रोती रहती है। अब ऐसे ऐसे इल्जाम लग जाते हैं और ये चीजें कहीं ना कहीं अनुरुद्ध को बहुत गुस्सा भी दिलाती है, और यहाँ पे गुस्सा हो भी रहा होता है। क्योंकि जब फाइनली यहाँ से जस्ट कुछ टाइम बाद ही अब हल्दी सेरेमनी भी होने वाली होती है, तो फाइनली सबको बुलाया जाता है। जब डांस होने लगता है, अब जहन को भी बलावस्ती लेकर के जाते हैं कि चलो तुम्हें डांस करो, लेकिन वो नहीं जाना चाहते। फिर भी लेकर जाते हैं और वो चुपचाप वापस चली जाती है हल्दी सेरेमनी करनी है। तो यहाँ पे हपू टोंड मारने लगती है अर्जी को कि आखिर तुम्हारे रस्ते का रोरा तो जा रहा है ना, तुम तो बहुत खुश होगी, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना। तो अब इसका शिकायत लेकर के चली जाती है। सृष्टि भी आती है अर्जी के साथ में और अनुरुद्ध को बोलने लगते हैं कि तुम ये समझाओ इसको, ये क्या क्या बोल रही है। तो साहब बोल देता है कि हप्पू दी बदतमीज नहीं है, उनके दिल में जो बात होती है वो वही बोलती है, वो दिल की साफ है। ये बातें सुनने के बाद अर्जी को लगता है कि अखिल तुम क्या करना चाहते हो, हमारे रिश्ते के बीच में खटास बोल रहे हो, या फिर मेरी मम को तुम बार बार नीचे दिखाना बंद करोगे, ये क्या कर रहे हो तुम। और वही यार देखो छोटन भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट गेम स्टार्ट करता है, पता है कैसे। अब देखो किसी भी इंसान को पहले तो कंफर्टेबल फील करवाओ और फिर उसे बहुत ज्यादा ही डरा दो, और जब इंसान पूरी तरह से डर जाएगा तो फिर वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपनी जान दे भी सकता है। और ऐसा ही छोटन भी करता है। पहले तो अनुरुद्ध को बहुत ही अच्छे से समझाता है, देखो तुम जिससे प्यार करते हो वो भी नीचे हॉल में आए हुए, चलो तुम अभी इसको तो लगता है कि क्या जनक से, तो बोलता है कि अब ये बातें घुमाने लगता है, बोलता है कि नहीं नहीं अर्जी आई हुई है, तुम अर्जी से प्यार करते हो ना। तो यहाँ पे अनुरुद्ध भी अपने दिल का भरस निकाल देता है कि नहीं देखिए आप जो भी बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है छोटन, लेकिन जहना का अफेयर कहीं पे था, अब बेचारे की सुई तो वहीं पे अटके रहती है। राहुल उसका बॉयफ्रेंड था और वो दूध पत्री में पढ़ते थे लोग, और वहाँ पे तो उसके ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है और तेजस का उतना चलता है, तो वहाँ जाने के बाद में क्या होगा जहना के साथ में, मैं इस चीज़ को लेकर के सैड हूँ। ये बहुत सैड होता है बेचारा, है तो प्यार दिल में लेकिन क्या करे, चाहत किसी को बताना बहुत अजीब हो जाती है। हालांकि जब नीचे आते हैं हल्दी के सारी फंक्शन में हल्दी इससे भी लग जाती है, गिर जाती है ना हल्दी अबू के कारण, और बस इसके बाद तो तमाशा। बट फिर भी चाहता जाता है कि भाई जल्दी जल्दी करते हैं लोग, क्योंकि अब निकलना है। फोन इसको आ रहे होता है इसके डैड का हार्ट अटैक अविनाश को, ये तो बहाना होता है ना, वो तो तेजस्वी कर रहा होता है उधर से फोन, और इसके जानवे एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। लेकिन 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 इसका पोचर सीन ना वो सच में यार मजेदार है, क्योंकि यहाँ पे समझ में आता है कि अगर समझ पाते तुम मेरी चाहत को तो हम तुमसे नहीं तुम हमसे मोहब्बत करते, बस ऐसा ही होता है। एक लास्ट बार जनक मिलने के लिए जाते हैं अनुरुद्ध से, बोलते हैं कि मैं तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, लेकिन जैसे जाती है बेचारे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार है, और अपने प्यार को किसी और का होता हुआ देखना सच में यार मौत से भी ज्यादा दर्द देता है, और ये चीजें बहुत अजीब भी होती है। क्योंकि इसको लगता है कि मोहब्बत करनी है तो यार अपने जहर में करो, दूसरे शहर में जाकर के अगर मोहब्बत करते भी हो तो अगर कुछ लफड़ा भी होता है तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, लेकिन अगर अपने शहर में तुम अगर मोहब्बत करते हो तो दिल टूट भी जाए तो मुलाकातें तो होंगी ना, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अनुरुद्ध कुछ बोल नहीं पाता, दिल की बातें कह नहीं पाता, जुबा पे आती तो है वो बातें बट क्या कर बेचारा बिना कह रह भी नहीं पाता। हालांकि तब तक तो अर्जी आ जाते हैं कबाब में हड्डी, और आने के बाद में जनक को देखते अरे दुल्हन के रूप में सजी धजी है अनुरुद्ध के कमरे में क्या कर रही है, तो बोलती है कि मैं आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, एक लास्ट मुलाकात मैं इससे मिलने के लिए आई थी सरजी से। तो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ नीचे, हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तो अब यहाँ मैं अनुरुद्ध को धमकी देती है कि तुम कोई ड्रामा मत करना नीचे जाकर के हॉल में, अगर तुमने ये शादी रुकने की कोशिश की तो ये वो 917 फिर सोचना मैं चली जाऊँगी तुमसे दूर, और फिर खाना निमगाना पता नहीं क्या क्या करती है, और इसके साथ एपिसोड भी एंडिंग करते जाते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा प्लॉट्स नहीं है, तो आने वाले एपिसोड जस्टिफाई नहीं होता कि क्या यार इस शादी में ही तेजस आ रहा है या फिर कहीं बाद में। वैसे भी प्रोमोज में तो हमें दिखाया गया था कि वेल शादी के समय ही वो बैठा हुआ होता है और वहाँ पे वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है, लेकिन उससे पहले स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग हो गए। अब देखो मुझे तो लगता है किडनैपिंग वाला प्लॉट शायद हटा दिए हैं, क्या पता यार थोड़ी देर के लिए ऐड भी कर दे, तो इनकी चीज़ें थोड़ी सजीव है बट स्टोरी लाइन मजेदार है तो मजा तो आएगा।